नमस्कार, गया दर्पण में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इस तस्लीम अहमद। आइए नजर डालते हैं गया कुछ खास खबरों पर। सीआरपीएफ 159 बटालियन के द्वारा अति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार केंद्र की स्थापना तथा स्थानीय प्रशासन एवं स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से कई प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें काफी संख्या में युवाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। इस कड़ी में सीआरपीएफ की पुलिस महानिरीक्षक चारू सिन्हा की पहल पर पुलिस उप महानिरीक्षक के सजाउद्दीन के मार्गदर्शन में कमांडेंट डॉक्टर निशित कुमार के प्रयास से गया जिला के अति संवेदनशील क्षेत्रों में बेरोजगार युवक युवतियों को कौशल विकास योजना के तहत हॉस्पिटल में 2 महीने का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया गया। यह प्रशिक्षण पेस हॉस्पिटलिटी बोधगया के सहयोग से संपन्न हुआ। ट्रेनिंग के पश्चात सभी युवक युवतियों को देश के जाने माने होटल संस्थानों में रोजगार मुहैया कराया गया। और सीआरपीएफ जो गया में है ये कार्य करती रहेगी, और न सिर्फ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में, अभी हम लोग दूसरे तरीके की स्किल में भी काम करने जा रहे हैं। पढ़ाई के लिए आगे नहीं कर पाए, तो जो सरकार का स्किल इंडिया कार्यक्रम है उसके तहत लोगों को कुछ ना कुछ हुनर सिखाना है, जिससे कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके। और हम लोग करें SHK फिल्म्स एडिटिंग लैब नियर मिर्जा गालिब कॉलेज गया। करें SHK फिल्म्स एडिटिंग लैब नियर मिर्जा गालिब कॉलेज गया। वजीरगंज प्रखंड के जमुआवा बाजार में सोमवार को दोपहर में बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक सेवा केंद्र से दिन दहाड़े 6 की संख्या में रहे हथियार से लैस अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर ग्राहकों को बांटने के लिए रखे 1,40,000 ले उड़े। ग्रामीणों द्वारा भागते हुए अपराधियों का पीछा किया गया तो भागते भागते फायरिंग करते रुपए उड़ाते अत्री की ओर भागा, लेकिन ग्रामीण के सहयोग से 3 अपराधियों को अत्री थाना क्षेत्र के बिल्डारी गांव के निकट से ग्रामीणों ने घेर कर 2 देशी कट्टा के साथ पकड़कर पुलिस को सौंपा। अब जिस देश में भरोसे का मतलब है डबल चेक, वहाँ वोटिंग के लिए EVM का नया VVPAT, ताकि आप अपना वोट डालते ही डबल चेक कर सके। कुछ ऐसे ही हजारों और चेक्स मिलकर बनाते हैं EVM को भारत की मिसाल। EVM मशीन नहीं, भारत की मिसाल है ये। गया जिले के बाराचट्टी थाना क्षेत्र के पदुमचक गांव के समीप शराब चेकिंग के दौरान एक एम्बुलेंस से भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया है। वहीं एम्बुलेंस चालक सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। शराब से भारी भरी एम्बुलेंस धनबाद से मुजफ्फरपुर ले जाया जा रहा था। एम्बुलेंस से 32 कार्टून में रखे 1,008 बोतल विदेशी शराब बरामद किया गया है। सभी झारखंड निर्मित शराब थी। वहीं एक ऑटो से 200 लीटर देशी शराब बरामद किया गया, जिसमें ऑटो चालक को गिरफ्तार किया गया है। एम्बुलेंस से शराब लाई जा रही है। इसके इस सूचना के आधार पे अवरक्षक उत्पाद अश्वनी कुमार से घाटी अंचल द्वारा एम्बुलेंस की जांच करने पर उसमें से 1,008 पीस में विदेशी शराब पकड़ा गया। रियान वारिस सन ऑफ राजन भारती कब्बाल किंग ऑफ गजल रियान वारिस बिथो शरीफ दरगाह गया बिहार। राज्य सरकार और केंद्र सरकार किसानों को आधुनिक खेती करने व कम लागत में अधिक मुनाफा करने की बातें करती है, लेकिन धरातल पर आज भी गया में धान की खेती भगवान और प्रकृति के भरोसे ही होती है। पानी के अभाव में धान की फसल जल गई, किसानों की लगाई पूंजी भी नहीं लौटी और गया जिले के परैया प्रखंड के डुमरा गाँव के सैकड़ों एकड़ खेतों में धान की फसल जल गई है। रही सही कसर सरकार ने भी पूरी कर दी है। किसानों ने बताया कि वर्ष 2011 में नाबार्ड के द्वारा स्टेट ट्यूबवेल का निर्माण कराया गया। आसपास के किसानों को आस जगी कि अब सस्ती दरों पर खेती की पटवन होगी, लेकिन पंप सेट का सारा निर्माण कार्य हो गया। पंप सेट भवन अलग से ट्रांसफार्मर भी लग गई थी, लेकिन मोटर ही अब तक नहीं लग पाया। इस पंप सेट के शुरू हो जाने से किसानों को खेतों में पटवन से सरकार को भी आमदनी होती, लेकिन यह किसानों के लिए सपना रह गया। तो वहीं गांव के खेतों के पटवन के समय दूसरे गांव के लोगों के द्वारा इस गांव की बिजली काट दी जाती है, जिससे समय पर पटवन नहीं हो पाता। गांव के किसानों ने कहा कि कई बार लघु सिंचाई विभाग और नाबार्ड के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के कारण आज धन के फसल जल रहे हैं।
वहीं इस संबंध में बिहार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बताया कि इस बार हथिया नक्षत्र में बारिश नहीं होने से खेतों में धान के फसल सूख रहे हैं। खरीफ फसल के लिए पहले 3 पटवन का डीजल अनुदान था, जिसे बढ़ाकर अब 5 पटवन के लिए डीजल अनुदान कर दी गई है। सरकार हर स्तर पर प्रतिबद्ध है। ना बिजली के है, कर्जा महाजन लेके रोकना मर गया, पूंजी सब खत्म हो गया। और कोई साधन पटवन का? पटवन के देखी था ये है अपने, तो बिजली है ये है। तो बिजली देवे ना कर है, बिजली ना दे इतना है बाबू। राज्य में हथिया नक्षत्र में पानी नहीं होने के कारण अक्सर हथिया नक्षत्र वर्षा होती थी, और जिससे मतलब खेतों में लगे फसलों को, यानी कि समझ जाइए कि सिंचाई में काफ़ी सुविधा किसानों को होती थी। लेकिन अभी देख रहे हथियार से तो वर्षा हुई नहीं है, वर्षा नहीं होने के कारण फसलों पर उसका असर पड़ रहा है। डीजल अनुदान सब्सिडी हम खरीफ फसल में 3 पटवन की सुविधा दे रहे थे, अब उसको बढ़ाकर हमने 2 पटवन और बढ़ा दिया है। अब 3 के बजाय 5 पटवन के लिए किसान भाइयों को डीजल अनुदान सब्सिडी की राशि उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि खेतों में लगे जो धान की फसल है उससे बचाया जा सके। और जिम्मेदारी निभाएं, मरणोपरांत परिजनों का वोटर आईडी फॉर्म 7 जमा करके निरस्त कराएं। फॉर्म 7 nvsp.in पर ऑनलाइन भी आसानी से जमा कर सकते हैं। गया के बोधगया में अनाथ बच्चों के साथ दुर्गा पूजा मनाने डेनमार्क से गया पहुंची। भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बोधगया में संचालित अनाथालय के बच्चों के साथ माया सरोवर पहुंची यस ग्रूनिंग के साथ साथ बियरता और उसके दोस्त फिन भी हैं। बोधगया में सनवे चिल्ड्रेन ट्रस्ट के नाम से अनाथ बच्चों के लिए अनाथालय चला रही है। डेनमार्क की विदेशी महिला यस ग्रूनिंग ने वर्ष 2005 में बोधगया आई थी। यहाँ अनाथ बच्चों को देखने के बाद उसने यह फैसला लिया, उसके बाद से वे हर साल बोधगया पहुंचती हैं, लेकिन इस बार बच्चों के साथ दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करने पहुंची हैं। बताती हैं कि वह बच्चों के साथ रहना ज्यादा पसंद करती हैं। आज अपने दोस्तों के साथ बोधगया के माया सरोवर अपने 7 बच्चे बच्चियों को लेकर पहुंची। सनवे संस्था के प्रबंधक शंभू दुबे ने बताया कि यर्स ग्रूनिंग अक्सर बच्चों के बारे में पूछती रहती हैं। आर्थिक सहयोग के साथ साथ समय समय पर वह अनाथ बच्चों से मिलने भी आती हैं, लेकिन इस बार दुर्गा पूजा अनाथ बच्चों के साथ मनाने आई हैं। Many of our children have started to study, and I'm very, very proud of them. My name is Jesse Subakuri, and I'm from Denmark. गया शहर के डायट कॉलेज परिसर में सोमवार को देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती डॉक्टर कलाम यूथ एसोसिएशन के बैनर तले मनाया गया, जहां संस्था के पत्रिका के प्रथम पृष्ठ का अनावरण किया गया। साथ ही इस मौके पर वत्सली निर्भया के सदस्यों ने पॉलिथीन उपयोग से हो रहे हानियों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताया। मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर काशिफ रजा खान, डॉक्टर आजम सिकंदर, मिर्जा गालिब कॉलेज के उप प्राचार्य अरुण प्रसाद, स्थानीय पार्षद चुन्नू खान, गुलाम नबी, मुस्कान फाउंडेशन के संस्थापक इमरोज अली, कलाम एसोसिएशन के अध्यक्ष आतिफ अशहर, दीपक कुमार, बिलाल अहमद, गौतम कुमार, मोहम्मद काशिफ समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। करें SHK फिल्म्स एडिटिंग लैब नियर मिर्जा गालिब कॉलेज गया। गया जिलाधिकारी अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय सभा कक्ष में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की समीक्षा बैठक की गई। उन्होंने बताया कि भारत सरकार की तरफ से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को विशेष रूप से मॉनिटरिंग किया जा रहा है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में खासकर स्वस्थ पोषण एवं शिक्षा काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी विभागों के पास अपना अपना एक्शन प्लान होना चाहिए। अब जिस देश में भरोसे का मतलब है डबल चेक, वहाँ वोटिंग के लिए EVM का नया VVPAT, ताकि आप अपना वोट डालते ही डबल चेक कर सके। कुछ ऐसे ही हजारों और चेक्स मिलकर बनाते हैं EVM को भारत की मिसाल। EVM मशीन नहीं, भारत की मिसाल है ये। आदर्श लीला समिति द्वारा प्रस्तुत भव्य रामलीला का आयोजन हर साल की तरह इस साल भी गया शहर के स्थानीय आजाद पार्क में रामलीला का मंचन 14 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक किया जा रहा है। इसका उद्घाटन जिला पदाधिकारी द्वारा किया गया। पूरे भारतवर्ष को आज
ये रोशनी मिल रही है श्री आदर्श क्रीड़ा समिति के द्वारा, सभी के अंदर एक नई जोश भरने की, सभी के अंदर एक नई उमंग भरने की, सभी के अंदर एक नई जिज्ञासा, नई अभिलाषा भरने की उम्मीद। गुरुवार के अनीता भारत गैस एजेंसी ने बांके बाजार में बांटा निःशुल्क गैस कनेक्शन। जदयू के महासचिव संजीव कुमार दांगी ने बताया कि अनीता भारत गैस एजेंसी के द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बांके बाजार में निःशुल्क रसोई गैस 102 बीपीएल महिलाओं को रसोई गैस का कनेक्शन दिया गया। वजीरगंज प्रखंड के दक्षिण गांव स्थित किड्स केयर प्ले स्कूल में सोमवार को विद्यालय के नन्हे मुन्ने छोटे बच्चों के द्वारा रामलीला का मंचन किया गया। निदेशक पंकज कुमार उर्फ संजय कुमार के देखरेख में छोटे छोटे बच्चों ने राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, रावण एवं वानरी सेना के सफल जीवन किरदार निभाकर समारोह में उपस्थित अभिभावकों एवं दर्शकों का दिल जीत लिया। अभी के लिए इतना ही। ऐसे ही बड़े खबरों के लिए देखते रहिए गया दर्पण न्यूज। बनाने के लिए आपके साथ है SHK Films एडिटिंग लैब। शादी हो, बर्थडे हो या रिसेप्शन, हर लम्हों को कैद करके रखते हैं हम, वो भी परफेक्शन के साथ। हमारा काम ही हमारी पहचान है। SHK Films एडिटिंग लैब सालों साल से सिर्फ आपकी सेवा में। एक बार जरूर आए SHK Films एडिटिंग लैब। कोई डॉक्यूमेंट्री बनाना हो या अपना कोई एल्बम बनाना हो, आप सभी का स्वागत है। गाना तो आप बहुत अच्छा गा लेते हैं, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग कैसे? क्षेत्रीय कलाकार हमसे संपर्क करें। SHK Films एडिटिंग लैब, नियर मिर्जा गालिब कॉलेज, गया। मोबाइल नंबर 9934605114 एंड 9852091275। इंडिया में भरोसे की मिसाल है डबल चेक। कैसे? आओ दो कदम पीछे लेकर खुद ही देखें। किसी दिन दरवाजा डबल चेक, तो किसी दिन न्यूज। कभी कभी तो कार भी हो जाती है डबल चेक। अब जिस देश में भरोसे का मतलब है डबल चेक, वहां वोटिंग के लिए EVM का नया VVPAT, ताकि आप अपना वोट डालते ही डबल चेक कर सके। कुछ ऐसे ही हजारों और चेक्स मिलकर बनाते हैं EVM को भारत की मिसाल। EVM मशीन नहीं, भारत की मिसाल है ये। किसी भी शुभ अवसर पर कव्वाली या गजल के कार्यक्रम के लिए संपर्क करें बिथो शरीफ दरगाह के कव्वाल जनाब रियान वारिस, सूफी कव्वाल एंड गजल सिंगर रियान वारिस, सन ऑफ राजन भारती, कव्वाल किंग ऑफ गजल रियान वारिस, बिथो शरीफ दरगाह, गया, बिहार। मोबाइल नंबर 9934264891 और 7050029862। अब जिस देश में भरोसे का मतलब है डबल चेक, वहाँ वोटिंग के लिए EVM का नया VVPAT, ताकि आप अपना वोट डालते ही डबल चेक कर सके। कुछ ऐसे ही हजारों और चेक्स मिलकर बनाते हैं EVM को भारत की मिसाल। EVM मशीन नहीं, भारत की मिसाल है ये।